हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं सोनल, मेरे चैनल सोनल चौधरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अदनान और थगेश की आजकल कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आइए जानते हैं कि वो कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हुई, स्टार्ट से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, जनता माफ नहीं करेगी। थगेश ने इस अदनान से ज्यादा कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था, जैसे कि तुम स्टार्टिंग में वो चल के आता अपनी गंदी सी वॉक के साथ, तो उसका जो चश्मा होता है वो ऐसे जैकेट में अटका होता है। देखो ध्यान से, कोई अलग चश्मा है। जब ये टर्न करेगा चश्मा गायब, और जब ये वापस से फिर पॉकेट से निकाल कर चश्मा लगाएगा तब कोई और डिफरेंट चश्मा। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात थी, इसमें उसने इसको कुछ नहीं कहा था। लेकिन इसको अब ये छपरी सी जो है वॉक करके गया है लास्ट में, इसको इस बात का बुरा लग गया। इसने क्या किया कि रात को 2:30 बजे थगेश को फोन कर माँ बहन की गालियां देने लगा। अरे बस कर भाई, मुझे ये समझ में आया जो लास्ट में चल के गए, कौन सी स्वैग वाली वॉक थी, छपरी वॉक। फिर इनको कुछ कह दो तो बुरा लग जाता है। सही बात है बापू, बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का। ये ले भाई, इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा आपको? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। जब थगेश ने प्रीवियस वीडियो के ऊपर चश्मे को रिलेटेड कुछ कमेंट कर दिया था अपनी वीडियो में, तो फिर अदनान ने इस वीडियो के थ्रू उस बात का जवाब दिया। लेकिन इसके बस की कुछ भी नहीं है, अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखना, इसने अपनी खुद की रियल लाइफ फाइट्स दिखाई हुई हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। पहले ये लोग ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इनको लोग फिर रोस्ट तो करेंगे ही ना। अदनान से तो 10-15 किलो इसका वजन ज्यादा ही होगा। अदनान से एक थप्पड़ खा के इसके दिद्दे फटल गए, मतलब इसके शरीर में क्या जान। और लास्ट में इस बंदे का वो देखो रिएक्शन, इसके अदनान के साथ वाले को, वाह भाई बड़ी कमाल की बात कही है तूने तो। हाँ, बहुत बोल रहा था ना तू। क्या बोल रहा था? देखो लड़ने का है ना, देखो लड़ने का, देखो लड़ने का, देखो लड़ने का। तू हाथ लगा, तू हाथ लगा, तू हाथ लगा, तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा तो देखो बता दो ना, तू हाथ लगा, तू हाथ लगा तो देखो बता दो। अबे जा 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 जा, चल निकल, चल। कोई सेंस है इस बात की? देख लिया ना, असली रूप में ये बंदा तेरे को लड़ने का, और फोन पे सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं ये लोग, सिर्फ भौंक सकते हैं। ठीक है, माँ बहन की गालियां देंगे और फिर बदले में जो उड़ता तीरी इसके भाई ने गंदा सा अपना गाना बनाया है, ठीक है, उसने भी दुनिया भर के उसमें गालियां गालियां भर रखी हैं। इनके बस और कुछ नहीं है, सिर्फ ये भौंकते हैं भौंकते हैं, तोता चना बाजा गाना, बस इससे ज्यादा और इनका उसका कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। Hello. Yes, excuse me. Actually, my English is not good. Okay. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon. Yeah. Jerry is here in my room. I'm sorry. Jerry is here in my room. You have a mouse in the room. Yeah. Please come here and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay. Come please. Okay. अरे वाह रे, ये वीडियो किधर छूट गई थी रे, इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो इस बंदे की चूहे ने हवा गोल कर रखी है। मतलब कि चूहे के डर के मारे ये कुर्सी पर चढ़कर बैठकर फोन कर रहा है मैनेजर की कि देयर इज अ जारी जारी इन माय रूम, प्लीज उसको पकड़ने के लिए। और हथियार देखो कितना तकड़ा है इसके पास, तकिया कहीं वो ऊपर चढ़ के ना जाए। और ये बंदा थगेश से लड़ने की बातें कर रहा, उसको माँ बहन की गालियां दे रहा है, तू तो उसके कुल्ले पैतो रे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, चल झूठा। हमसे रिश्ता बना कर रखना, हम वो है जहां कोई काम नहीं आता वहां हम काम आते। बना लिया है भैया तुमसे रिश्ता, रोस्टिंग का रिश्ता है आपका और हमारा। और अब मैंने दुनिया भर की वीडियो बना चुकी हूँ, अपने बेस्ट कंटेंट दे चुकी हूँ, पर मेरी वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है, मेरा चैनल ही नहीं ग्रो कर रहा है। अब देखते हैं आप मेरे काम आते हो या नहीं। सही बात है।
ये खट्टे कट्टे बंदे को तीन छपरी लोग पकड़ के ले जा रहे हैं मुंह ढककर, और लगता है किसी बॉस के पास लेकर जा रहे हैं। जब तक इनका बॉस आ रहा है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। ये आ रहा है उनका बॉस बड़ी सी गाड़ी में, बोलना 4-5 फुट का होगा मैक्सिमम, अदनान लहराते हुए आते हुए, और ये अपना गंदा सा चश्मा हटाते हुए बत्ती सी दिखाते हुए उसकी मुंडी को मरोड़ कर अपनी भी मुंडी ऐसे मुड़ी हुई दिखाते हुए और फिर छिक करके छोड़ते हुए और साइड में से अभी निकलो 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 निकल लिया। ये क्या था, मतलब क्या दिखाने की क्या कोशिश थी। यही नहीं अभी और सुनिए। कौन है भैया? हाथी का शिकार करने वाला रॉकी। बंदे ने रॉकी पे इतने, मतलब हर डायलॉग पे वीडियो बना बना के इसने रॉकी की भी आधी पर्सनैलिटी कम कर दी है। और मेरे को समझ में आते हैं लोग ऐसे कार से उतरते हैं कहीं से भी, ठीक है, और ऐसे गंदी सी वॉक करते हैं करके आते हैं ऐसे लहराते हुए। ये लोग जाते किधर ऐसे लहराते लहराते, मतलब कितनी दूर तक चलते हैं भैया, कहाँ तक पहुँचते हो ऐसे कर। हमको शादी का कोई शौक नहीं है। हमको भी नहीं है। ये तो आने वाले बच्चों की जिद है कि हमको मम्मी चाहिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, बड़ा हरामी हो बेटा। जब ये अभी मम्मी ही नहीं मिली है तो आने वाले बच्चे कहाँ से आ गए मिस्टर ठरकी। पहले ये लोग ऐसी चीप चीप वीडियो बनाते हैं और फिर साथ में ये भी सोचते हैं कि इनको कोई रोस्ट नहीं करेगा। भैया कीप इट अप, हम जैसों को कंटेंट देते रहो, हमारा भी चैनल ग्रो होगा, कुछ भला होगा हमारा। क्या बात है, सही बात है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। मजा नहीं आ रहा है, ये लोग कुछ भी ऐसे गंदी सी वॉक करके जाएंगे और अपने लेवल से बहुत ऊपर की अच्छी सी ऑडियो लगाएंगे। ये फिट नहीं है भैया, कुछ और चेंज करके देखते हैं। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। समझ रहे हो ना साहिबा? हाँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं। अरे मुबीन। हाँ। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। फिर तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ मुबीन। सच्ची? नहीं। गजब बेइज्जती है। शुक्र है दो ही अटैक खाए इस बंदे ने, तीसरे में बंदा बचता नहीं है। और अगर फिर भी बच जाए तो पीछे ये पानी दिख रहा है, चुल्लू बरसे तो ज्यादा ही होगा डूब मरने के लिए। और जब ये मेरे को समझ आता है बंदा से घूम के कुछ पूछता है मेरे साथ जीना चाहती वगैरह, ऐसे चार उंगल ऐसे ऊंचा क्यों हो जाता है पूछते टाइम? पैरों में स्प्रिंग लगाए हुए हैं भैया, हैं नॉर्मल हाइट पे पूछ सकते हो ना। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है। नहीं पता क्या? चलो थोड़े अच्छे अंदाज में बता देते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको करनी है सिर्फ तीन चीजें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। गाइज आपने वीडियो लास्ट तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।